हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर बेसिक इन्फो की सीरीज़ में फ्रेंड ये नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ लास्ट के तीन वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें भी आ, वीडियोस उन्हीं टॉपिक्स पे बने थे जिसमें मेरे पास कमेंट्स आए थे या कुछ हमारे टेलीग्राम जो चैनल है मेरा उसमें मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी कि सर अगर हम प्रोग्रेसिवली अगर एक एक चीज़ को देखते जा रहे हैं लाइक हमने पहले ज्वाइनिंग देख ली उसके बाद हमने जो ज्वाइनिंग लेटर का फॉर्मेट था वो देख लिया ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या होती है वो हमने देख लिया लीव रूल्स हमने कंक्लूड कर लिया मेडिकल टेस्ट के बारे में स्टडी कर ली उसके बाद मेरा भी ट्राई है फ्रेंड्स की प्रोग्रेसिवली आगे क्या क्या होती हैं चीज़ें डिपार्टमेंट में वो आप लोगों से शेयर करूँ ओके तो आज का वीडियो फ्रेंड उसी पर बेस्ड है क्वेरीज़ मेरे पास ये आई थी कि सर बिंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यहाँ पर जो ट्रांसफ़र्स जो होते हैं ठीक है थीके? तो ट्रांसफर्स के क्या कंडीशन होते हैं किस कंडीशन में ट्रांसफ़र होता है अपार्ट फ्रॉम दैट अलॉटमेंट से रिलेटेड बहुत लोगों को क्वेरीज़ हैं कि सर अलाटमेंट हमको क्वार्टर्स किस तरीके के मिलते हैं क्या मिलता है ओके okay. थर्ड जो आप लोगों का हो जाता है वो रहता है आप लोगों की क्या क्या एडिशनल फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो एम में रहते हुए आप लोगों की एडिशनल क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं तो आज का फ्रेंड आज का वीडियो फ्रेंड्स इसी पे बेस्ड है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर पुश कर दे तो आगे आने वाले जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो जल्द से जल्द तक पहुँच जाएंगे तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स देखिएगा जैसे ही अगर हम लास्ट वीडियो में भी मैंने एक चीज़ आप लोगों से शेयर की थी कि जैसे हम ज्वाइनिंग होती है पहले हम जॉब के बारे में सोचते हैं जब जॉब आ जाता है तो हम ज्वाइनिंग के बारे में सोचते हैं कि कितनी जल्दी ज्वाइनिंग आ जाए उसके बाद फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं हम एक ही बार सभी चीज़ों को अवेल करना चाहते हैं तो ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं होता ऑल दो गवर्नमेंट की तरफ से बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं ओके okay? तो आज का फ्रेंड वीडियो इसी पे बेस्ड है तो सबसे पहला टॉपिक मैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ बीइंग अ जेई इन मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज से अगर एम e. की बात करूँ तो तो यहाँ पे सबसे पहले होता है आप लोगों का ट्रांसफर ठीक है तो पहले मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि जेई का जो जॉब है ठीक है इट इज़ अ साइट सुपरवाइजर बोला जाता है द जूनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ठीक है जूनियर एग्जीक्यूटिव भी आप लोग बोल सकते हैं जूनियर इंजीनियर भी आप लोग बोल सकते हैं ठीक है ये टोटली totally आप लोगों का एक साइट सुपरविजन का वर्क रहता है ओके प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स उससे रिलेटेड उसके बाद अगर आप लोगों को साइट पे कोई वर्क चल रहा है तो साइट इंचार्ज आप लोग बोल सकते हैं कि आप ही साइट इंचार्ज होते हैं ओके ग्राउंड के डेटा जो भी कलेक्ट करना मेजरमेंट वो पूरी आपकी जिम्मेदारी होती है तो अगर हम किसी वर्क में आ, कहीं पर इन्वॉल्व है फ्रेंड्स तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि इट इज़ कॉल्ड एज अ प्लेस ऑफ योर पोस्टिंग ठीक है तो जनरली पूछा जाता है कि वेयर यू आर पोस्टेड आपकी पोस्टिंग कहाँ है तो ये वर्ड हम जनरली एम में यूज़ करते हैं कि वेयर यू आर पोस्टेड नाउ ओके तो पोस्टिंग से रिलेटेड जो पहला चीज़ मैं आप लोगों से आज शेयर कर रहा हूँ वो है रिलेटेड टू योर ट्रांसफ़र तो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हमारे जेई की जॉब होती है ठीक है एम की बात की जाए तो इट इज़ अ ट्रांसफ़रेबल जॉब ओके कंडीशनस अगर मैं देखूँ फ्रेंड इसके पीछे पॉलिसीज़ लेटर मैं आप लोगों से इस अभी सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म में शेयर नहीं कर पाऊँगा ओके okay? बट एक वर्बली आप लोगों से चीज़ें शेयर कर सकता हूँ कि क्या और कैसी पॉलिसी होती है हमारी तो जनरली देखा जाता है कि ट्रांसफ़र अगर हम देखते हैं तो वो दो कंडीशन कहलाता है पहला होता है सेंसिटिव दूसरा होता है नॉन सेंसिटिव पोस्ट ठीक है अब ये सेंसिटिव नॉन सेंसिटिव क्या होता है वो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं अगर आप किसी भी एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी uh, पे हैं ठीक है थीके? मतलब अगर आप लोग साइट सुपरविज़न में हैं एग्जीक्यूशन आप लोगों का काम है दैट मीन्स वो कहलाता है एक तरह का आप लोगों का सेंसिटिव पोस्ट ओके बट अगर आप लोग किसी हैडक्वाटर में uh, बैठे हुए हैं जहाँ पे कोई साइट सुपरविज़न या साइट वर्क कुछ भी नहीं है ओनली देयर इज़ स्क्रूटनाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऐसी जिम्मेदारी अगर आप लोगों को ऐसा ही ड्यूटीज़ आप लोगों का अलॉट किया जाता है तो वो कहलाता है आप लोगों का नॉन सेंसिटिव पोस्ट ओके सेंसिटिव देखते हैं फ्रेंड्स वो जनरली हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो हमारे एम में गैरिसन इंजीनियर कहलाते हैं वो ऑफिस अगर उसके बाद हमारे जो सब डिविजन्स होते हैं ठीक है जहाँ पे हेड करते हैं हमारे ए जी एन एम या ए जी बी एन आर जो होते हैं ए रैंक के जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं उनके अंडर में अगर आप लोग पोस्टेड हैं तो वो कहलाएगा आप लोगों का सेंसिटिव पोस्टिंग अगर आप लोग किसी सी डब्ल्यू कमांडर वर्क इंजीनियर दैट इज़ योर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ऑफिस में है या चीफ इंजीनियर ऑफिस में है या आप लोग किसी कमांड में बैठे हुए हैं अदरवाइज इफ़ यू आर पोस्टेड इन ई एन सी ब्रांच ऑल्सो इंजीनियरिंग चीफ में तो वो कहलाएगा आप लोगों का नॉन सेंसिटिव पोस्टिंग ओके तो ये दो कंडीशन होते हैं हमारी पोस्टिंग के तो अगर आप लोग किसी सेंसिटिव पोस्ट में बैठे हैं फ्रेंड तो पॉलिसी जो होती है जनरली यही कहा बताया जाता है कि आपको तीन साल के बाद ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा दैट मीन्स किसी एक पर्टिकुलर ऑफिस में आप लोग तीन साल तक रह सकते एज अ पोस्टिंग एज अ साइट सुपरवाइजर ओके जूनियर इंजीनियर अगर हम ये देखते हैं कि अगर आप लोग किसी मेट्रो सिटी की बात करें लाइक डेली बैंगलोर बोली जो बॉम्बे कोलकाता एंड योर चेन्नई तो ऐसे अगर बड़ी सिटीज़ में बात करते हैं फ्रेंड तो वहाँ पे जनरली पांच छः ऑफिसेस होते हैं ठीक है तो अगर क्वेरी भी ये उठती है कि सर क्या हम तीन साल सिर्फ चेन्नई में मेट्रोज में ऐसा कोई किसी सिटी में जहाँ पे चार पांच ऑफिस हैं वहाँ सिर्फ तीन साल रह सकते हैं तो इसका कंडीशन ये दिया गया फ्रेंड्स कि वहाँ पे एक लोकल टर्न ओवर ठीक है एलटीओ बोला जाता है एलटीओ पोस्टिंग भी आती है जो आ, जो आपके जोनल चीफ इंजीनियर होते हैं वो कंडक्ट करते हैं तो जोनल चीफ से अगर आप लोगों का एल इशू होता है तो किसी एक स्टेशन में अब ये पोस्टिंग ऑफिस और स्टेशन क्या होता है वो मैं क्लियर कर दूँ पोस्टिंग ऑफिस होता है जिस ऑफिस में आप लोग पोस्टेड हैं ठीक है ठीके? और स्टेशन होता है जनरली जो हम सिटीज़ होती हैं उनको स्टेशन काउंट करते हैं तो अगर मैं बात करूं कि दिल्ली में तो दिल्ली में सपोज आके छः ऑफिस हैं तो दिल्ली इज़ अ स्टेशन ओके बट वहाँ पे अगर कोई दो या तीन चीफ इंजीनियर हैं कोई सी डब्ल्यू ऑफिसेस हैं जी ऑफिसज हैं तो वो कहलाएगा आप लोगों का पोस्टिंग ऑफिस ओके तो अगर हम देखते हैं तो एक पोस्टिंग ऑफिस में आप लोग तीन साल रह सकते हैं उसके बाद आप लोगों की पोस्टिंग इशू हो जाती है अगर आप लोगों का एलटीओ में आ जाएगा तो आप लोग उसी लोकल स्टेशन में रह सकते हैं बट एक स्टेशन में मैक्सिमम सिक्स इयर्स, ठीक है एज पर पॉलिसी देखा जाए तो मैक्सिमम आप लोग सिक्स इयर्स रह सकते हैं उसके बाद आपको किसी नेक्स्ट स्टेशन में जाना पड़ेगा वहाँ से आप लोगों की पोस्टिंग इशू कर दी जाएगी ओके उसके बाद अगर पोस्टिंग नहीं आती है या अगर हमको रुकना है तो उसके कुछ ग्राउंड्स होते हैं अगर आपको नेसेसरी वो बहुत कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं तब आप लोग किसी कंडीशन में अपनी पोस्टिंग रुकवा सकते हैं अदरवाइज़ आफ्टर सिक्स ईयर्स यू हैव टू लीव द स्टेशन ओके और आपको किसी दूसरे स्टेशन में पोस्टिंग के लिए जाना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट जो टॉपिक है आज के वीडियो का वो होता हमारा ट्रांसफ़र का हमने देख लिया ठीक है पोस्टिंग पॉलिसी में एक चीज़ और मैं और ऐड करना चाहूँगा फ्रेंड जब आप लोग एस एस का फॉर्म भरते हैं वहाँ पे लास्ट वीडियो में भी मैंने ये चीज़ शेयर की थी आप लोगों ने ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग का एक क्लॉज साइन किया हुआ है आई एग्री का जो लास्ट में एक आप लोग बटन क्लिक करते हैं ठीक है तो वो जैसे क्लिक करते हैं दैट मींस यू एग्री विद द ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग पॉलिसी तो उस कंडीशन में आप लोग ये नहीं बोल सकते कि सपोज आई बिलोंग टू डेली तो मुझे किसी साउथ इंडिया uh, में क्यों पोस्टिंग मिली है चेन्नई में बैंगलोर में ऐसी किसी सिटी में क्यों पोस्टिंग मिल गई है मुझे इन नॉर्थ इंडिया में पोस्टिंग क्यों नहीं मिली ठीक है इसके लिए आप लोग किसी भी तरीके का डिपार्टमेंट को किसी भी तरीके का लेटर करस्पॉन्डेंस करते हैं तो वह आप लोगों को माना नहीं जाएगा ठीक है या अगर आप लोग एस को भी लिखेंगे या आप लोग किसी कमांड बेस्ड अगर करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं तो वो भी आप लोगों का वैलिड नहीं होगा ओके नेक्स्ट जो बात आती है फ्रेंड वो था हमारा कि इफ़ वी आर पोस्टिंग समवेयर अगर आप लोग कहीं भी पोस्टिंग जाते हैं तो जनरली होता ही है कि गवर्नमेंट में सभी को बोला जाता है यार आप गवर्नमेंट जॉब में हो आपको बहुत अच्छा घर मिला होगा ठीक है आप लोगों को गाड़ी मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी तो वो आ जाता है बेसिकली फ्रेंड हमारी फैसिलिटीज़ पे ठीक है तो एम की बात करूँ मैं तो एम में अगर हम फैसिलिटीज़ काउंट करें तो पहला अगर फैसिलिटी मैं ये देखूँ कि जनरली कंटोनमेंट एरियाज़ में ठीक है बहुत जगह पे ऐसा होता है जो हमारे यूजर्स होते हैं यूजर हम उनको बोलते हैं जो हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स जो भी हमारे जो डिफेंस विंग्स के जो भी ऑफिसर्स होंगे या जे या ओ होते हैं उनका या तो मैरिट एकोमोडेशन होता है सिंगल लिविंग रहेगा ठीक है तो वैसे ही कुछ हमारे जो लोकल एरिया कंटोनमेंट होती है वहाँ पे आप लोगों को रहने के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जा सकता है यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अलॉटमेंट ठीक है क्वार्टर अलाटमेंट जो होता है पहले मैं ये बता दूँ अगर आप लोग जेई पोस्ट में हैं दैट इज़ जो सिक्स सी के हिसाब से जो फोर्टी ग्रेड पर हुआ करता था वहाँ पे एज पर ऑथोराइजेशन आपको टाइप थ्री क्वार्टर ऑथोराइज है ठीक है टाइप थ्री मतलब एक टू बी के फ्लैट के बराबर आप लोगों को ऑथोराइज है जो आप लोगों को मिल सकता है इफ़ अन ऑफ टाइप थ्री क्वार्टर ठीक है अगर टाइप थ्री क्वार्टर आपके स्टेशन में आपके कंटोनमेंट में आपके एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी में अवेलेबल नहीं है उस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं आइर वन ग्रेड अबव और वन ग्रेड डाउन दैट मीन्स टाइप फोर भी आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं या टाइप टू भी आप लोग ले सकते हैं ठीक है कंडीशन बस ये रहेगी फ्रेंड्स कि अगर आप लोग टाइप थ्री लेते हैं तो आप लोगों को एच तो क्लेम नहीं मिलेगा ठीक है हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा बट आप लोगों को कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आप लोग नॉर्मल कंज्यूम करेंगे वो जो नॉर्मल रेट्स ऑफ वाटर सप्लाई है ठीक है वाटर मीटर घरों में लगा रहता है वहाँ से आप लोगों के वाटर मीटर की रीडिंग आ जाएगी और आप लोगों को कितना चार्जेस है वो पे करना पड़ेगा और थर्ड थिंग होती है आप लोगों का रेंट रेंट भी है जो फ्रेंड गवर्नमेंट अकोमोडेशन का वो एक बहुत नॉमिनल होता है ठीक है डिपेंड करता है वो स्टेशन के ऊपर ठीक है तो ये तीन चीज़ आप लोगों को पे करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम दैट एच आप लोगों को एडमिसिबल नहीं होगा एच आप लोगों को नहीं मिलेगा अगर आप लोगों ने गवर्नमेंट अकोमोडेशन ऑक्युपाई किया हुआ है तो उस कंडीशन में ओके okay? इसके अलावा मैं ऐड करना चाहूँगा फ्रेंड्स अगर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं तो आप लोग सिविल एरिया में जो नियर बाय सिविल एरिया होगा वहाँ के लिए आप लोग परमिशन लेके आप लोग आउट लिविंग का परमिशन लेके कर वहाँ बाहर रह सकते हैं बट आप लोगों की प्लेस ऑफ ड्यूटी एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी वही कंटोनमेंट एरिया ही रहेगा जो आप लोगों के ऑफिस के अंडर में है ओके okay? तीसरी चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा फ्रेंड्स कि मुझे क्वेरीज़ ये भी आई थी कि सर क्वार्टर अलाटमेंट के लिए हमको क्या वेट करना पड़ता है तुरंत मिल जाता है इसके बारे में आप ज़रूर शेयर कीजिएगा तो मैं ये बताना चाहूँगा फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने पहले ही अपने स्टेटमेंट में ये बोला है अलॉटमेंट डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे ठीक है डिपेंड करता है अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है दैट मीन्स क्राउड इन द सेंस कि वहाँ पर फुली ऑक्यूपाइड है ठीक है जो भी आपके क्वार्टर्स हैं डिपेंड करता है कि वो यूज़र साइड के हैं कि हमारे एम के खुद की कॉलोनीज़ हैं तो अगर एम एस की खुद की कॉलोनीस है तो वहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि म्यूचुअल ट्रांसफर में अगर कोई आ रहा है तो इफ़ एक कोई पोस्टिंग जाता है तो वो क्वार्टर वैकेंट uh, है वहाँ पे आप लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है बट अगर अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है ठीक है तो उस कंडीशन में आप लोग बाहर रहेंगे अपार्ट फ्रॉम दैट अलॉटमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है आप लोगों के स्टेशन सी एन पे ठीक है स्टेशन सी ए का कहने का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि आप लोगों ने किस डेट पर उस स्टेशन में आए हो ओके okay? अगर वहाँ पे भी आप लोगों को अलॉटमेंट का कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप लोग नॉर्मल एच आर एडमिसबल होगा आप लोग बाहर रह सकते हैं ओके सेकेंड फैसिलिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को ये जानने को बहुत इच्छा होती है कि सर अगर हम लोग बींग अ सिविलियन एम डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं ठीक है चाहे वो कोई भी पोस्ट हो तो क्या हम जो हमारे यू बोलते हैं जो यूनिट रन कैंटीन होते हैं जो आर्मी कैंटीनस आप लोग जनरली सुनते होंगे तो उसकी क्या फैसिलिटीज़ हमको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि वो फैसिलिटीज़ चाहे जो भी एम्प्लॉय हो एम का ठीक है अगर वो ट्रेड्समैन हो इंडस्ट्रियल स्टाफ हो या जे हो या उनके बड़े जो ऑफिसर्स लेवल के जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं ठीक है थीके? जो यूनिफॉर्म पर्सनस होते हैं उनका तो कार्ड बनता है वहाँ पे उनका एक ग्रॉसरी कार्ड और एक लिकर कार्ड दोनों प्रिपेयर होता है ओके बट बीइंग अ सिविलियन हमारा सिर्फ एक ग्रॉसरी कार्ड प्रिपेयर होता है एंड दैट टू डिपेंड ऑन योर पे बैंड ठीक है उसकी जो लिमिट होती है वो पे बैंड पर डिपेंड करती है लाइक like मैं बात करूँ अगर आप लोग गई हैं तो वहाँ पे पे बैंड टू में अगर आप लोग रखा गया आप लोगों को तो वहाँ पे आप लोगों को जो ऑथराइजेशन होगा या टोटल आप लोगों के कार्ड की लिमिट होती है एट प्रेजेंट वो एट थाउजेंड है ठीक है दैट मीन्स मंथली एट थाउजेंड तक का आप लोग वहाँ पर जाके उस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं जो भी आपके नियर बाई यूनिट रन कैंटीनस होंगे ठीक है सी एच डी जिनको बोला जाता है कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट सी ओके okay. तो ये फैसिलिटीज़ बाकी डिपार्टमेंट पे आप लोगों को अवेलेबल नहीं होगी एम एस में आप लोगों को ये फैसिलिटीज़ बीइंग अ सिविलियन भी प्रोवाइड की जाती है ठीक है नेक्स्ट फ्रेंड और मैं आप लोगों से दो चीज़ से और शेयर करना चाहता हूँ जिसके बारे में मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई थी ठीक है कुछ लोग ये बोले थे कि सर आप वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं बट वीडियो प्रिपेयर करते ही मुझे कमेंट से आ रहा है कि सर इतनी सारी चीज़ें आप बता रहे हैं इसमें ये होगा इसमें ये होगा अगर किसी एंड पे गलती होती है तो इसका भी कोई ऐसा कुछ Uh, कहना चाहिए उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था कि इसका कोई जुगाड़ है क्या ठीक है तो मैंने भी उनको बड़ा प्यार से रिप्लाई किया था कि इसका कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है जुगाड़ सिर्फ एक ही चीज़ है आप लोगों को एस क्लियर करने का पेपर वन पेपर टू आप लोग क्लियर कर लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अटेस्टेशन जो भी आप लोग को मनाया मंगाया गया है पर्टिकुलर टाइम पर वहाँ जाके आप लोग दे दीजिए वही सबसे बड़ा जुगाड़ है आप लोगों के एस क्लियर करने का ठीक है तो ये प्लीज़ ऐसे कमेंट जो हैं ठीक है थोड़ी कॉमेडी थोड़ा सा हंसी मजाक चलता है बट इन चीज़ों को रिलेटेड जॉब से रिलेटेड और कैरियर से रिलेटेड थोड़ा सा सीरियसनेस आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा फ्रेंड जो लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैं नहीं बताया था ठीक है जैसे अगर आप लोग डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं कुछ लोगों को ये लगता है कि यार हम डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिए अब हम आराम से जी सकते हैं हमारे ऊपर किसी भी तरीके का क्लेम ना हो सकता अब हमको कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता तो पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताया तो फ्रेंड ज्वाइनिंग के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को एज एजा टेम्प्रेरी जूनियर इंजीनियर का टैग लेके आप लोग ज्वाइन करते हैं ठीक है इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को नौकरी से नहीं निकाल सकता बहुत सारे कोर्ट कंडक्ट्स होते हैं बहुत सारे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चलती रहती हैं ठीक है तो मेरा सिर्फ ये एडवाइस रहेगा मैं एडवाइस बोलूँ चाहे आप अगर आप लोग मेरे जूनियर हैं तो मैं आप लोगों को एडवाइस ही दे सकता हूँ सीनियर है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ इन सब चीज़ों में अभी से इन्वॉल्व होने के बारे में मत सोचिएगा ठीक है बिकॉज अननेसेसरी का आपकी पूरी की पूरी लाइफ जो है ठीक है चाहे प्रोफेशनल लाइफ बोलो चाहे आप लोग पर्सनल लाइफ पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है ठीक है तो इन चीज़ों में आप प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा सिर्फ एक पॉजिटिव सेंस से आप लोग डिपार्टमेंट ज्वाइन कीजिए डिपार्टमेंट बहुत से बहुत सारे बहुत अच्छे तरीके से आप लोग डिपार्टमेंट को एंजॉय करेंगे मेरी तरीके से मेरी तरफ से एक एश्योरिटी है आप लोगों को बिकॉज मैंने इन चीज़ों को देखा है ठीक है और जितना चैलेंजिंग जॉब लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट प्रे, प्रफ्रेंस का एक वीडियो जो प्रिपेयर हुआ है आई बटन में आप लोग लिंक देख सकते हैं उसमें मैंने एक जरूर चीज़ें शेयर की थी कि डिपार्टमेंट का प्रेफरेंस आप लोग कैसे फिल कर सकते हैं ओके तो इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स कि एग्जीक्यूटिंग या जो जंजीनियर टास्क है ठीक है हर एक डिपार्टमेंट जो एस ने दिया हुआ है उसमें तो आप लोगों के बहुत मतलब कहना चाहिए कि टास्क बहुत अच्छे हैं और टोटल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन्स वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है बट एम में देखना बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि स्पेशलाइज्ड वर्क बहुत सारे होते हैं जो शायद आप लोगों को सी पी डब्ल्यू डी सी डब्ल्यू सी या जो आप लोगों का एन टी आर ओ इन सब डिपार्टमेंट में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा ऑल दो सभी डिपार्टमेंट मैंने ऑलरेडी बताया था कि सभी डिपार्टमेंट अच्छे हैं डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके का एनवायरमेंट चाहते हैं आप लोगों की वर्किंग में उसी तरीके से आप लोग अपना प्रेफरेंस फिल कीजिएगा जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे ठीक है तो आज के वीडियो में फ्रेंड मैंने दो चीज़ें आप लोगों से शेयर की है पहला तो ट्रांसफर रिलेटेड टू इशू इन एमएस ठीक है दूसरा वॉट आर द बेसिक फैसिलिटीज दैट एडिशनल फैसिलिटीज अदर देन द अदर देन अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ एस एस ठीक है एम में आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं ये इसके बारे में मैंने आप लोगों से शेयर किया है तो जिनको भी चैनल वीडियो अच्छा लगे वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर पुश कर दें तो आगे आने वाले जो भी अपकमिंग वीडियो हैं जल्द से जल्द आप तक पहुँच जाएंगे थैंक यू फ्रेंड्स